नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती आशा रानी आज आपको संस्कृत का पहला पाठ पढ़ाऊंगी। पिछले 20 साल का मेरा अनुभव है और स्टडी खजाना में हम सब पहला पाठ आज पढ़ेंगे, तो आपको अवश्य ही समझ में आएगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। तो आइए पढ़ते हैं पहला पाठ, संस्कृत में जिसे कहा गया है प्रथमः पाठः। आप ध्यान रखिए, संस्कृत में आप उसको रोचक तरीके से तभी पढ़ सकते हैं जब उसके हर एक शब्द पर आपकी व्याकरणिक दृष्टि हो। आप उसको ग्रामेटिकल तरीके से समझने की कोशिश करें, उसमें क्या ग्रामर है। अब पाठ का ही नाम प्रथमः पाठः, दोनों में आपको विसर्ग दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं से आपका व्याकरण, वहीं से आपका ग्रामर स्टार्ट हो जाता है। प्रथमः पाठः, पाठः में भी प्रथमा विभक्ति है और उसके आगे जो प्रथमः लिखा हुआ है वो क्या है उसको आप समझेंगे। प्रथमः अर्थात उसका विशेषण है, पाठ कौन सा है, पहला, फर्स्ट। तो प्रथमः पाठः, ये दोनों आपस में क्या संबंध बनाए हुए हैं, विशेषण विशेष। अब व्याकरण में अलग से आपको एक टॉपिक आएगा विशेषण विशेष से समझना, जो आप यहीं से समझ लेंगे। पाठ को केवल हिंदी अनुवाद करना मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा टारगेट ये भी है कि आप उसके हर ग्रामर को समझते हुए आगे बढ़े। प्रथमः पाठः, प्रथमः उसका विशेषण हुआ और पाठः क्या है, विशेष। विशेषण विशेष, विशेष किसको कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए। और विशेषण क्या है, जो शब्द विशेषता बता रहा हो उसे विशेषण कहते हैं। तो इसीलिए प्रथमः पाठः दोनों में एक ही विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। प्रथमः का अर्थ हुआ पहला और पाठः पाठ, पहला पाठ। अब उसका नाम आ गया, पहला पाठ क्या है, तत् त्वम् असि। तत् त्वम् असि, तत् का हिंदी में अर्थ होता है वह, त्वम् का अर्थ आप जानते होंगे, आठवीं कक्षा तक आपने पढ़ा है, तुम। और असि, असि क्या है, अस धातु, मध्यम पुरुष एकवचन। अब असी में मध्यम पुरुष एकवचन क्यों आया, क्योंकि यहां पर कर्ता क्या है, त्वम। तत् त्वम् असी, वह तुम हो, वह तुम हो, वह तुम हो। अब इसमें आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, एक क्वेश्चन मार्क आएगा कि ऐसी इसके अंदर क्या विशेषता है कि वह तुम हो। तो पहला पाठ क्या है, तत् त्वम् असि। महर्षेः आरुणेः पुत्रः श्वेतकेतुः आसीत्। महर्षेः आरुणेः पुत्रः श्वेतकेतुः आसीत्। अब इसमें आप देखते जाएंगे कि ये कहने को एक छोटा सा वाक्य है, पर इसमें विशेष नियम यहां पर आपको दिखाई देंगे। क्रिया दिखाई दे रही है आसीत, जिसका अर्थ है था। था आते ही आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, कौन था, कौन का उत्तर आप अपने दिमाग में रखेंगे, पुत्रः आसीत, पुत्र था। अब पुत्रः आसीत, पुत्र का नाम है यहां पर क्या, श्वेतकेतुः आसीत, पुत्रः श्वेतकेतुः आसीत। मैं आपको पीछे से पढ़ा रही हूं क्योंकि आप उसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ पाएंगे। आसीत का अर्थ था, पुत्रः श्वेतकेतुः आसीत, पुत्र श्वेतकेतु था। अब ये क्या है, महर्षेः आरुणेः, आरुणेः में षष्ठी विभक्ति है आरुणिका। अब आरुणिका भी एक विशेषण यहां दिखाई दे रहा है, महर्षेः आरुणेः। तो महर्षेः आरुणेः पुत्रः श्वेतकेतुः आसीत, महर्षि आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु था। अब महर्षि में भी षष्ठी विभक्ति है, आरुणेह में भी षष्ठी विभक्ति है, क्यों, क्योंकि आरुणि का विशेषण क्या है, महर्षि। आरुणि कौन था, एक महर्षि थे। तो महर्षि आरुणेह पुत्रः श्वेतकेतु आसीत, महर्षि आरुणि के पुत्र श्वेतकेतु थे, या महर्षि आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु था। संस्कृत में आदरार्थे बहुवचनम हम प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां अगर बहुवचन का प्रयोग तभी हम करेंगे हिंदी में जब वहां लिखा होगा, यहां नहीं लिखा है तो हम उसको एक वचन में ही रखेंगे, महर्षि आरुणि का पुत्र
श्वेत केतु था। महर्षि में आपको प्रश्न में परीक्षा में क्या आएगा, महर्षि है पदे का विभक्ति, महर्षि पद में कौन सी विभक्ति है। आपको विभक्ति की अगर पहचान नहीं है, आपने उसका हिंदी में अनुवाद किया, आपने उसको ट्रांसलेट किया, तो आपने वहां पर का के की ये चिन्ह लगाया, ये कारक चिन्ह कौन से विभक्ति का होता है, षष्ठी विभक्ति का होता है। तो इसलिए आपने महर्षि आरुणि का से ही आपने ये लगा लिया कि आरुणी में अगर षष्ठी विभक्ति है तो महर्षि में भी षष्ठी विभक्ति ही है। आपसे अलग से महर्षि पदे का विभक्ति यदि आता है तो आपका तुरंत ध्यान जाएगा उसके हिंदी अनुवाद पे। हिंदी अनुवाद आपने क्या समझा था इसका, कि महर्षि आरुणी का पुत्र श्वेत केतु था। तो महर्षि पदे का विभक्ति षष्ठी विभक्ति। अब दूसरा प्रश्न भी आ सकता है, महर्षि आरुणे पुत्र कह आसीत, ये दूसरा प्रश्न हो गया, महर्षि आरुणि का पुत्र कौन था। तो प्रश्न क्या आ जाएगा, श्वेत केतु। ये एक पदेन उत्तरत आपको लिखा हुआ आता है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो, यानी वन वर्ड आंसर। आपको एक ही वर्ड लिखना है, एक ही पद लिखना है, एक ही शब्द लिखना है। तो पहला प्रश्न मैंने आपको क्या किया, कस्य पुत्र श्वेत केतु आसीत, किसका पुत्र श्वेत केतु था। तो आपका उत्तर हो जाएगा महर्षि है आरुणे है। वहां पर एक पद का मतलब ये नहीं है कि आप केवल आरुणे है लिखे, आपको वहां महर्षि है भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक पद मतलब आरुणे है ही पद है और उसका हमने विशेषण क्या लिया, महर्षि, तो वो विशेषण और विशेष एक ही पद माना जाएगा। तो वहां पर एक पद में उत्तर लिखते समय आप लिखेंगे महर्षि है आरुणे है, महर्षि आरुणे पुत्र है। दूसरा प्रश्न आ गया, महर्षि आरुणे पुत्र कह आसीत, तो कह के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, महर्षि आरुणे पुत्र। आपको एक पद में लिखना है, वन वर्ड में लिखना है, तो आप केवल वहां पर लिख देंगे श्वेत केतु। एक वाक्य में अगर आ जाता है, आपको एक सेंटेंस लिखना आता है, तो वहां पर आपको नीचे लिखा हुआ आएगा एक वाक्यन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो वहां पर प्रश्न ऐसा बना हुआ होगा कि आप उसका वन वर्ड में आंसर दे सकते हैं, बट आपको क्या करना होगा, पूरा सेंटेंस लिखना होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं जहां पर बच्चे एक वर्ड में लिखना होता है वहां एक सेंटेंस लिख देते हैं, और जहां एक सेंटेंस में लिखना होता है वहां एक वर्ड लिख देते हैं। तो आप जो ऊपर डायरेक्शन दी हुई है, एक पद इन उत्तर था तो आप एक पद में ही उत्तर देंगे, एक वाक्य इन उत्तर था तो आप एक वाक्य में ही उत्तर देंगे। तो वहां पर प्रश्न क्या आ सकता है, श्वेत केतु कह आसीत, श्वेत केतु कौन था। इसमें पूरा उत्तर आपको जो का तो यहां से उठाकर लिख देना, लेकिन प्रश्न का क्रम क्या है वही आपको रखना पड़ेगा, श्वेत केतु कह आसीत। तो श्वेत केतु महर्षि आरुणे पुत्र आसीत, समझ में आया, श्वेत केतु महर्षि आरुणे पुत्र आसीत। अब यहां पर आपने एक वाक्य पूरा अच्छे से समझ लिया है, आसीत में आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्रिया दिखाई दे रही है, अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। अब यहां पर कर्ता क्या है, कर्ता भी प्रथम पुरुष एकवचन है, वो कौन है, कर्ता कौन है, यहां पर कौन है, आपको उत्तर में क्या मिला, पुत्र आसीत, पुत्र कौन है, श्वेत केतु। तो श्वेत केतु पदे का विभक्ति, ये प्रश्न आ सकता है, श्वेत केतु पद में कौन सी विभक्ति है, तो श्वेत केतु पदे प्रथमा विभक्ति आसीत, ये प्रश्न आएगा। श्वेत केतु में आपने अलग से लिया, तो श्वेत केतु में अगर विभक्ति पूछी जा रही है तो आप उसको क्या करेंगे, श्वेत केतु पदे प्रथमा विभक्ति आसीत, श्वेत केतु में प्रथमा विभक्ति है। अब ये व्याकरणिक तरीके से आपने अच्छे से समझ लिया, एक लाइन है लेकिन इसके अंदर मैंने आपको तीन प्रश्न बता दिए, उसमें भी तीसरा आता है निर्देशानुसार उत्तरत, उसमें क्या है, व्याकरण का एक प्रश्न होगा, एक क्वेश्चन हमेशा ग्रामर बेस पूछा जाता है कि आसीत पदस्य कर्ता कह आसीत, आसीत का कर्ता कौन है, या श्वेत केतु पदस्य क्रिया किम प्रयुक्तम, श्वेत केतु पद के साथ में यहां क्रिया क्या आई, तो श्वेत केतु के साथ में यहां क्रिया क्या आई है, आसीत। आरुणे है इति पदस्य विशेषण पदम किम, तो वहां पर क्या आ जाएगा, महर्षि है इति पदम
आरुणे है पदस्य विशेषण पदम अस्ति, तो आप केवल महर्षि है को वहां पर लिख देंगे विशेषण पदम के। फिर एक प्रश्न आ सकता है, अत्र विशेषण विशेष संबंध कुत्र अस्ति, विशेषण विशेष संबंध कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा महर्षि आरुणे है, तो ये यहाँ पर एक विशेषण और विशेष संबंध आपको दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं इससे दूसरे वाक्य पर, हिंदी में उसका आपने यार समझ लिया, महर्षि आरुणी का पुत्र श्वेत केतु था, द्वादश वर्षीय तम पुत्रम पिता आरुणी उवाच। अब पुत्र में प्रथमा थी, यहां पर आ गया पुत्रम, इसका अर्थ क्या है कि अब ये यहां कर्ता नहीं रहा, कर्ता यहां अगले वाक्य में कोई और हो गया, और क्या है इसमें पिता और पुत्र के बीच का संबंध बताया जा रहा है पाठ में, तो आप ध्यान से देखिए, द्वादश वर्षीयम तम पुत्रम, तीन शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, तीन वर्ड हैं जिसमें द्वितीय विभक्ति आपको दिखाई दे रही है, द्वादश वर्षीयम तम पुत्रम, तो कुछ आपको यहां समझ में आया होगा, कुछ कोशिश कीजिए, पुत्रम में द्वितीय विभक्ति, उसका विशेषण है तम, और उसका भी विशेषण है जिसको हम प्रविशेषण कहते हैं, वो है द्वादश वर्षीयम, द्वादश को हिंदी में कहते हैं 12, 12, द्वादश वर्षीयम तम पुत्रम, 12 वर्षीय उस पुत्र को पिता आरुणि ही उवाच, पिता आरुणि बोले, अब उवाच यहां पर क्रिया है, बोले, ये आपके पाठ्यक्रम में ये लकार नहीं है, ये लिट लकार की क्रिया है, बट आप इतना समझ लीजिए कि उवाचा का अर्थ यहां पर क्या है, बोले, कौन बोले, पिता उवाच, अब यहां पर कर्ता कौन हो गया, पिता, कर्ता क्या है यहां पर, पिता, पिता आरुणि ही उवाच, पिता आरुणि बोले, अब यहां क्रिया किसके लिए आई है, पिता के लिए आई, पहले वाक्य में क्रिया किसके लिए आई थी, श्वेत केतु के लिए आई थी, क्योंकि श्वेत केतु कर्ता था वहां पर, प्रधान वही था, यहां पर क्या हो गया, पुत्रम, ये तो कर्म हो गया, क्योंकि वो किस पिता किसको बोले, पुत्र को बोले, अब पुत्र की क्या विशेषता है, 12 वर्ष का है वो, 12 इयर्स है, द्वादश वर्षीयम तम पुत्रम पिता आरुणि वाच, 12 वर्षीय उस पुत्र को पिता बोले, अब यहां पर क्या हो सकता है, पिता कम उवाच, पिता किसको बोले, एक पदेन उत्तर था, एक पद में उत्तर दीजिए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पिता पुत्रम उवाच, पिता पुत्र को बोले, कीदृशम पुत्रम, विशेषण पर अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे तो आपको क्या बताया जाएगा, कीदृशम पुत्रम उवाच, पिता ने कैसे पुत्र को बोला, तो द्वादश वर्षीयम तम पुत्रम पिता आरुणि उवाच, हे श्वेत केतु, अब श्वेत केतु से यहां पर क्या लिखा दिखाई दे रहा है, हे श्वेत केतु, श्वेत केतु कहां पर बना, उसके आगे एक हमें चिन्ह दिखाई दे रहा है, वो है संबोधन का चिन्ह, सप्तमी विभक्ति के बाद क्या आता है, संबोधन, तो यहां संबोधन है, उसको संबोधित किया गया है कि हे श्वेत केतु, 12 वर्षीय उस पुत्र को पिता क्या बोले, हे श्वेत केतु, गुरुम प्रति गच्छ अध्ययनार्थम, गुरुम प्रति गच्छ, मध्यम पुरुष की क्रिया आई है, मध्यम पुरुष की क्रिया कहाँ आती है, जहां हम एक दूसरे से आमने सामने बात करते हैं, तो यहाँ पर पिता किससे बात कर रहे हैं, पुत्र से बात कर रहे हैं, वार्तालाप दोनों की आमने सामने चल रही है, इसलिए वहां पर गच्छ जाओ, कहाँ जाओ, गुरुम प्रति गच्छ, गुरु के प्रति अर्थात गुरु के पास जाओ, कौन कह रहे हैं, पिता, किसको, श्वेत केतु को, श्वेत केतु को संबोधित किया कि हे श्वेत केतु, अब यहां पर कर्ता जो है वो मध्यम पुरुष का है, उसमें त्वम का प्रयोग किया भी जा सकता था, लेकिन बिना किए भी हम ये समझ लेंगे यहां पर संबोधित करके कि हे श्वेत केतु, वो संबोधित मतलब उसको संबोधन किया है, उसको बुलाया है कि हे श्वेत केतु, गुरु के पास जाओ, अर्थात तुम अपने गुरु के पास जाओ, किस लिए, अध्ययनार्थम, अध्ययनार्थम में संधि है, अध्ययन जमा अर्थम, अध्ययन के लिए दीर्घ संधि है, अध्ययन के न में जो अ है और अर्थम के अ में जो अ है, दोनों मिलकर के क्या हो गया, दीर्घ संधि का नियम है, अ प्लस अ आ, तो यहां पर क्या बन गया, अध्ययनार्थम,
पढ़ने के लिए, पठनार्थम पढ़ने के लिए, क्रीडनार्थम खेलने के लिए, अर्थम का अर्थ हम किस लिए लेते हैं, के लिए, अध्ययनार्थम पढ़ने के लिए, गुरुम प्रति गच्छ गुरु के पास जाओ, यतः यतः एक अव्यय शब्द है, यतः क्या है, अव्यय शब्द है। ये भी मैं आपको क्यों दिखा रही हूं, क्योंकि आपके लिए ये परीक्षा में आ सकता है, अस्मिन वाक्य अव्यय पदम किम, ये एक प्रश्न आता है व्याकरण का, अस्मिन वाक्य, अस्मिन वाक्य, वाक्य कहां से शुरू हुआ, हे श्वेत के तो गुरुम प्रतिगच्छ अध्ययनार्थम, यतः सुम, अब प्रति भी एक अव्यय पद है तो आप प्रति भी छाट कर लिख सकते हैं, आप यतः भी छाट सकते हैं, कोई भी आप सेलेक्ट कीजिए और आप इसको लिखेंगे तो आपका आंसर ठीक होगा। यतः सौम्य, क्योंकि हे सौम्य, सौम्य किसके लिए कहा, पुत्र के लिए, पुनरावृत्ति दोष ना आ जाए इसलिए हम उस दूसरे शब्द को उसी को रिपीट नहीं करते हैं, संस्कृत हो या कोई भी इंग्लिश हो या हिंदी हो, पुनरावृत्ति दोष नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर पर्यायवाची आप दोबारा देख रहे हैं सौम्य, पुत्र का पर्यायवाची है सौम्य। अब ये भी एक प्रश्न आ सकता है, सौम्य पदस्य अन्यम किम पदम प्रयुक्तम, ये पूरा अनुच्छेद आपके लिए इस प्रकार से दे दिया जाता है, यहां से भी दे सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा करके भी दिया जा सकता है परीक्षा में, तो इस पूरे अनुच्छेद में आपसे पूछा जाएगा सौम्य पदस्य स्थाने अन्य किम शब्दम प्रयुक्तम, सौम्य पद के स्थान पर दूसरा कौन सा शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ, तो सौम्य किसके स्थान पर आया, पुत्र के स्थान पर, अस्मत् कुलीनः अनाधित्य न भवति इति, पिता पुत्र को क्या कह रहे हैं, अस्मत् कुलीनः, हमारा कुल, अस्मत् कुलीनः, अस्मत् हमारा, कुलीनः कुल, अनाधित्य न भवति इति, अनाधित्य, अधित्य होता पढ़ा हुआ और अनाधित्य न पढ़ा हुआ अर्थात अनपढ़ नहीं होता है, अर्थात हमारे कुल में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई अनपढ़ रह जाए, हमारा कुल अनपढ़ ना रह जाए, हमारे वंश में कोई अशिक्षित ना रह जाए, इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं कि हमारे वंश में, हमारे कुल में कोई बिना पढ़ा हुआ नहीं होता है। इति, इति का मतलब क्या है, इतना ही उनके लिए काफी था, इति शब्द का प्रयोग यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि ये बहुत ही विशेष बात पिता ने अपने पुत्र को कह दी, और कहने के बाद इति कि इतना ही काफी है, इति एक समाप्ति सूचक चिन्ह होता है कि जब कुछ समझाया जा रहा है तो इति कह करके उसको समाप्त कर दिया गया कि हमारे कुल में कोई बिना पढ़ा लिखा न रह जाए। तो अनाधित्य में क्या है, समास है न तत्पुरुष, न अधित्य अनाधित्य, सह पुत्र आचार्यम उपेत, सह पुत्र, सह पुत्र कह, सह एक सर्वनाम शब्द है, किसके स्थान पर आया, पुत्र कौन है, आप हिंदी में भी इसका दिमाग में अर्थ लेकर चलते रहेंगे, पुत्र कौन था, श्वेत केतु, पुत्र कौन था, श्वेत केतु, सह पुत्र वह पुत्र, अब बार बार श्वेत केतु नहीं कहेंगे इसलिए हमने क्या कहा, सह पुत्र वह पुत्र कौन, श्वेत केतु, आचार्यम उपेत्य, आचार्यम उपेत्य, उपेत्य का अर्थ क्या है संस्कृत में, दूसरा अर्थ इसका क्या लिखेंगे, समीपम गत्वा, पास जाकर, उपेत्य का क्या है, उपेत्य में लप प्रत्यय है, उप उपसर्ग है, इन धातु है, इन गतव धातु है जिसमें आप ई समझ सकते हैं उसको, उप जमा ई जमा लप, उपेत्य, पास जाकर, यावत चतुर्विंशति वर्ष अभवत तावत सह सर्वान वेदान सार्थान अधित्य पितुः सकाशम आगच्छत, यावत, यावत का अर्थ है जब तक, चतुर्विंशति वर्ष, चतुर्विंशति, विंशति से आगे चार और जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, विंशति बीस को कहते हैं, चार और जुड़ गया तो चौबीस, यानी 24 ईयर्स, चतुर्विंशति वर्ष अभवत हुआ, जब तक वह 24 वर्ष का हुआ, तावत सह सर्वान वेदान सार्थान अधित्य पितुः सकाशम आगच्छत, तावत तब तक, सह, सह कह श्वेत केतु, सर्वान वेदान, स अर्थान, सार्थान में संधि है, स जमा अर्थान सार्थान, सभी वेदों को, स अर्थान अर्थ सहित, सर्वान वेदान स अर्थान अर्थ सहित अधित्य पढ़कर पितुः सकाशम, सकाशम का अर्थ समीपम,
पितुः समीपम, पिता के पास आगच्छ आया। हिंदी में अर्थ आप समझते जाएंगे पहले, फिर मैं उसका व्याकरणिक नियम पर आऊंगी। सह पुत्रः, वह पुत्र आचार्यम् उपेति, आचार्य के पास जाकर, यावत् चतुर्विंशति वर्षः अभवत्, जब तक 24 वर्ष का हुआ। इसका मतलब 12 वर्ष का था तब पिता ने उसको समझाया, तो उसने कितने साल वहां पढ़ाई की? 12 वर्ष, क्योंकि वो कितना कितने साल का हो गया? 24 ईयर्स। तो 12 साल तक उसने पढ़ाई की। तावत, तब तक वह सभी वेदों को अर्थ सहित अध्ययन करके पिता के पास आया। अब प्रश्न यहां पर बहुत सारे बन सकते हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। कह पितु सकाशम आगच्छत, कह के स्थान पर आप यहां पर सह नहीं लिखेंगे, आपको पता है कह किसके लिए, कौन आया पढ़कर, तो आप लिखेंगे श्वेत केतु आगच्छत। कह पितु समीपम आगच्छत, कौन आया पिता के पास? श्वेत केतु आगच्छत। ये एक पद इन आ गया, वन वर्ड आंसर है। श्वेत केतु पितु सकाशम कथम आगच्छत, कैसे आया, क्या करके आया, किम कृत्वा आगच्छत या कथम आगच्छत, ये दोनों प्रश्न हो सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, यहां से पूरा वाक्य आपको लेना होगा। आप ले सकते हैं सह पुत्र आचार्य उपेत यावत चतुर्विंशति वर्ष अभवत, यहां तक लेने की जरूरत नहीं है। आप लिखेंगे सह कह श्वेत केतु सर्वान वेदान सार्थान अधित्य पितु सकाशम आगच्छत, वह सभी वेदों को अर्थ सहित अध्ययन करके पिता के पास आया। प्रश्न आ सकता है कान अधित्य पितु सकाशम आगच्छत, किन को पढ़कर आया, तो सर्वान वेदान, वेद कितने, वेद का विशेषण दिया हुआ सर्वान, दोनों में एक ही विभक्ति आपको दिखाई दे रही है, सर्वान वेदान सभी वेदों को स अर्थान अर्थ सहित अधित्य, अधित्य में लप प्रत्यय, अधि उपसर्ग ई धातु लप प्रत्यय। आदित्य का परिचय पूछा जा सकता है आपसे, आदित्य पदस्य परिचयम किम अस्ति, या आदित्य पदे कह प्रत्यय अस्ति, आदित्य में कौन सा प्रत्यय है, लप प्रत्यय है। पिता के पास आया, आगच्छत आया, अगच्छत होता है गया और उसके आगे लिखा हुआ है आ, तो वो क्या बन गया, आया, आगच्छत आया। कह आगच्छत श्वेत केतु आगच्छत, कुत्र आगच्छत पितुः सकाशम आगच्छत, किम कृत्वा आगच्छत सर्वान वेदान सार्थान अधित्य आगच्छत। कुत्र अगच्छत है, अगर प्रश्न आ जाए थोड़ा सा घुमा करके भी दिया जा सकता है, कुत्र अगच्छत वह कहां गया, तो क्या जाएगा, सह गुरु समीपम आगच्छत, वह गुरु के पास गया। सह च सर्वश्रेष्ठ अहम इति मन्यमानः उद्धत स्वभावः अभवत्। सह कः अस्ति अत्र, सह श्वेतकेतुः, सर्वश्रेष्ठः अहम्, अहमेव सर्वश्रेष्ठः, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। शिक्षा प्राप्त कर लेना और उसके बाद उसको सुसंस्कारित तरीके से रखना, इन दोनों में अंतर है। तो यहां पर सर्वश्रेष्ठ अहम्, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, ऐसा उसने क्यों माना, क्योंकि उसने सारे वेदों का अर्थ सहित अध्ययन कर लिया और उससे उसके अंदर क्या आ गया, एक अहंकार आ गया। सर्वश्रेष्ठ अहम इति मन्यमानः उद्धत स्वभावः अभवत्, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं ऐसा मानते हुए उद्धत स्वभावः अभवत्। प्रश्न क्या है, उद्धत स्वभावः, उद्धत स्वभाव उद्दंडी स्वभाव का, बहुत ही नोटी आप कह सकते हैं उसको, बहुत ही शैतान दिमाग का वो हो गया, उसका स्वभाव क्या हो गया, अहंकारी हो गया कि मैं तो अब सबसे श्रेष्ठ हो गया हूं, मेरे बराबर इस दुनिया में कोई नहीं रहा, ऐसा उसके दिमाग में आ गया। सर्वश्रेष्ठ अहम, अहम सर्वश्रेष्ठ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, हूं यहां पर अस्मि लिखा नहीं है लेकिन हम इसको समझ लेंगे, ये संक्षेप में दिया हुआ है, सर्वश्रेष्ठ अहम, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, इति मन्यमानः, ऐसा मानते हुए, मन्यमानः में यहाँ शानस प्रत्यय है, उससे बन गया मन्यमानः, मानते हुए, क्षत्रियो शानस प्रत्यय में शानस प्रत्यय का करते हुए अर्थ होता है, तो मानः मानते हुए।
उद्धत स्वभाव, उद्दंडी स्वभाव का अभावत। प्रश्न क्या आ सकता है, कह उद्धत स्वभाव अभावत। अब यहां पर तो नहीं दे रखा है, सह दिया हुआ है, लेकिन आप सह नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे श्वेत केतु उद्धत स्वभाव अभवत। फिर आ जाएगा सह उद्धत स्वभाव कथम अभवत, कैसे हो गया। सर्वश्रेष्ठ अहम इति मन्यमान सह उद्धत स्वभाव अभवत, ये आप लिखेंगे, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं ये मानते हुए वह उद्धत स्वभाव का, उद्दंडी स्वभाव का हो गया। समझ में आया। एवं भूतम पुत्रम दृष्ट्वा पिता उवाच, एवं भूतम ऐसे, एवं भूतम ऐसा हुए हुए को अर्थात ऐसे पुत्र को, दृष्ट्वा देखकर, पिता उवाच, पिता बोले, ऐसे उद्दंडी स्वभाव के पुत्र को देखकर पिता बोले। दृष्ट्वा में यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, दृश्य धातु त्वा प्रत्यय, 8th क्लास तक आपने पढ़ा होगा, दृश्य जमा त्वा क्या बनेगा, दृष्ट्वा। ऐसे पुत्र को देखकर पिता उवाच, उवाच पहले भी आया है, उवाच का अर्थ क्या था, बोले, तो पिता बोले, क्या बोले, हे श्वेत केतो, फिर से संबोधित किया। पहले पिता की चिंता क्या थी कि वो पढ़ा हुआ नहीं है, अब पिता की चिंता क्या है, उसका अहंकारी स्वभाव। हे श्वेत केतो, कहते उपाध्यायात अतिशय प्राप्त येन त्वं कुलाननुरूपम उद्धतः असि। हे श्वेत केतु, कहते उपाध्यायात अतिशय प्राप्त, अतिशय कहते अहंकार, किस अध्ययन से, कहते ते मतलब तुम्हें, किस तुम्हें किस अध्ययन से, उपाध्याय अध्ययन से अतिशय प्राप्त, ये अतिशय प्राप्त हो गया, किस अध्ययन से तुमने, किस शिक्षा से तुमने ये प्राप्त कर लिया, ये जिससे त्वम तुम कुल अन अनुरूपम, कुल के अनुरूप नहीं, अन अनुरूपम विपरीत, कुल के विपरीत उद्धतः असि, उद्दंडी स्वभाव के हो गए, कुल के विपरीत तुम उद्दंडी स्वभाव के हो गए हो, तुमने ऐसी कौन सी शिक्षा प्राप्त कर ली जिससे तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जानने लगे। कहते उपाध्यायात अतिशय प्राप्त, तुमने किस अध्ययन से तुम्हें ये अतिशय प्राप्त हुआ, ये कौन कह रहा है, कह कथयति एतद् वाक्यम पिता, कम कथयति पुत्रम कथयति, पुत्र श्वेत केतुम कथयति, पुत्रम श्वेत केतुम कथयति, जिससे कुल के अन अनुरूपम, अनानुरूपम का अर्थ क्या है यहाँ पर, अन अनुरूप, अनुरूप होता है अनुकूल, और अन अनुरूपम विपरीत, कुल के विपरीत उद्दंडी हो गए हो। असि इति क्रियापदस्य कर्ता पदम किम, ये प्रश्न आएगा परीक्षा में, असि इति क्रियापदस्य कर्ता पदम किम, असि मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष के एक वचन में आपको मध्यम पुरुष का कर्ता ढूंढना है, तो मध्यम पुरुष का कर्ता क्या है, त्वम, त्वम के साथ क्या आ जाएगा, असि, तो इस वाक्य में पूरे में असि इति क्रियापदस्य कर्ता पदम किम, त्वम। जानासि किम तत्येन श्रुतेन अन्यत् अश्रुतम् अपि श्रुतम् भवति, असि के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह था, तो वो प्रश्न कर रहे हैं कि किस अध्ययन से तुमने यह कुल के विपरीत उद्दंडी स्वभाव अपना बना लिया है, तुम उद्दंडी स्वभाव के हो गए हो, ये प्रश्न पूछा है। फिर क्या कहा, जानासि किम, मध्यम पुरुष की क्रिया है, किम जानासि, क्या जानते हो, क्या जानते हो, प्रश्न क्या पूछा, क्या जानने के लिए कह रहे हैं, किम जानासि तत् येन श्रुतेन अन्यत् अश्रुतम् अपि श्रुतम् भवति। अब ये ईश्वर की उस परम शक्ति की ओर उनका ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, आपको इसको ध्यान से इसके अर्थ को समझना होगा कि उनके पिता आरुणि क्या कहना चाह रहे हैं, कि क्या तुम ये जानते हो उस परम शक्ति को जो बिना सुने ही येन श्रुतेन अन्यत् अश्रुतम् अपि श्रुतम् भवति, बिना सुने ही वो आपकी बात को सुन लेते हैं, जो आपके मन में चलता है। इसको मैं अभी व्याकरणिक दृष्टि से ना समझाकर आप इसके अर्थ को, गहन अर्थ को समझिए कि ईश्वर की एक ऐसी शक्ति हमारे पास है, हम उनको चाहे कुछ भी ना कहें लेकिन वो फिर भी हमारे मन की बात को जानते हैं, हम उनको उनको कुछ भी ना सुनाए तब भी वो सुन लेते हैं कि हम चाहते क्या है। अब आप किसी का अच्छा अपने मन में सोच रहे हैं तो वो उस चीज को भी जानते हैं,
लेकिन अगर आप किसी का बुरा सोच रहे हैं उसको भी वो जानते हैं। तो यहाँ पर पिता अपने पुत्र को क्या बताना चाहते हैं कि एक ईश्वर ऐसी शक्ति है, एक परमात्मा ऐसी शक्ति है जो बिना सुने ही सुन लेते हैं, बिना बताए ही जान लेते हैं। आपने उनको बताया नहीं लेकिन फिर भी वो आपके मन के हर विचार को जानते हैं और उसके अनुरूप ही आपको फल भी देते हैं। आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपको निश्चित रूप से अच्छे फल की प्राप्ति होती है, लेकिन आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो सामने वाला आपको नहीं जानता कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप बुरा सोच रहे हैं, बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा कि आप किसी के बारे में बुरा नहीं करते लेकिन आपका बुरा हो जाता है, मगर आप बुरा सोचते हैं, उस सोच पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए कि आप किसी के बारे में बुरा एक कदम भी एक पल भी ना सोचें, क्योंकि उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने हमारे उस चिंतन शक्ति को, उस जो हम सोच रहे हैं, जो थॉट हमारे अंदर है, उसके बारे में भी वो जानते हैं और उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग ही हमें वो रिजल्ट्स देते हैं। हे श्वेत के, तो येन श्रुतेन, जिसके द्वारा सुन लिए जाने से, अन्यत, दूसरे स्थान पर, दूसरा स्थान क्या है कि आपने उनको भले ही ना बताया हो किसी को, अश्रुतम अपि श्रुतम भवति, अश्रुतम बिना सुने ही श्रुतम सुन लिया जाता है, वो आपने बिना सुनाए ही उन्होंने सुन लिया। अमतम मतम, कोमा लगाया हुआ है, बिना माने, आपने उनको अपनी बात को भले ही ना माने कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो मान चुके हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि आपके मन में क्या चल रहा था, अच्छा चल रहा था या बुरा चल रहा था। अच्छे को तो इंसान खुद ब खुद बता देता है, लेकिन जब वो गलत करता है, वो गलत सोचता है तो वो छुपाता है, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर से किसी का कुछ भी भेद छुपा नहीं है। तो वही बात यहाँ पर सार रूप में बताई गई है, अमतम मतम, बिना माने ही मान लिया जाता है। अविज्ञातम च विज्ञातम भवती इति, बिना जाने ही, आपने उनको नहीं जानकारी दी कि मैंने ऐसा ऐसा किया, मैंने ऐसा ऐसा सोचा, लेकिन उनको इस बात की जानकारी स्वतः हो जाती है कि आप दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं, आप दूसरे के बारे में आपके मन में क्या भाव है। एतत् अद्भुतम प्रश्नम श्रुत्वा पृच्छति कथम इति, एतत् अद्भुतम प्रश्नम, ऐसा अद्भुत प्रश्न, क्योंकि ये वो अपने बारे में क्या सोच रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ईश्वर की ऐसी कौन सी शक्ति है। वो बाल मन है, उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आ गए कि ऐसा कैसा है। एतद् अद्भुतम प्रश्नम श्रुत्वा पृच्छति, ऐसा अद्भुत प्रश्न, कीदृशम प्रश्नम, अद्भुतम प्रश्नम श्रुत्वा सुनकर, पृच्छति पूछता है, कथम इति कैसे। अब प्रश्न यहां पर क्या आएगा, कह पृच्छति कौन पूछता है, श्वेत केतु पृच्छति, किम पृच्छति, अद्भुतम प्रश्नम श्रुत्वा पृच्छति कथम इति कैसे, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है कि जिसको मैं ना बताऊं वो भी अपने आप से ही जान ले, जिस बात को मैं ना मानूं वो अपने आप से वो मान ले। इत्युक्तः पिता अधोलिखित दृष्टांतेन तत्व ज्ञानम प्रतिपादयति, इति उक्तः, ऐसा कहने पर, जैसे उसके मन में प्रश्न आया कि ऐसा कैसे, तभी उसको अगली बात अच्छे से समझ में आएगी। तो उनको समझाने के लिए, अपने पुत्र को समझाने के लिए, जो सभी वेदों का अध्ययन करके घमंडी हो गया है, अहंकारी हो गया है, उसको समझा रहे हैं पिता अधो लिखित दृष्टांतेन, अधः लिखित, नीचे जो ये दृष्टांत लिखा हुआ है इसको दिखा करके तत्व ज्ञानम प्रतिपादयति, तत्व ज्ञान को प्रतिपादित करते हैं। तत्व क्या है, वास्तविकता का ज्ञान देते हैं। क्या है वास्तविक ज्ञान, आरुणि ही, उसको क्या कहते हैं, आरुणि ही संबोधित कर रहे हैं उसको, श्वेत केतु। आरुणि ने क्या कहा, श्वेत केतु, श्वेत केतु संबोधन में आ रहा है, हर स्थान पर वो पिता पुत्र को संबोधित कर रहे हैं, तो संबोधन में श्वेत केतु का क्या बनेगा, श्वेत केतु, जैसे साधु का बना साधो। न्यग्रोध फलम आहर, न्यग्रोध कहते हैं वट वृक्ष, बनियन ट्री, उसके फल को लाने के लिए कहा गया है। पिता ने पुत्र को क्या कहा,
न्यग्रोध फलम आहर। वट के फल को न्यग्रोध कहते हैं। वट फलम फल, आहर ला, मध्यम पुरुष की क्रिया है। न्यग्रोध फलम आहर, न्यग्रोध का फल लाओ। श्वेत केतु इदम भगवन, श्वेत केतु क्या करते हैं, फल ले आते हैं। इदम भगवन, ये लीजिए। आरुणी अत्र किम पश्यसि, फल के अंदर क्या है। फल को तोड़वाया उन्होंने और फल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बीज होते हैं, उसमें बहुत ही छोटे बीज होते हैं। तो आरुणी ने क्या कहा, अत्र किम पश्यसि, यहां क्या देख रहे हो। श्वेत केतु, श्वेत केतु ने जवाब दिया, अणुतराणि इमानि बीजानि। अणुतराणि छोटे छोटे, अणुतराणि इमानि बीजानि, ये छोटे छोटे बीज मैं यहां देख रहा हूं। आरुणी, फिर बीज छोटे हैं, फिर प्रश्न किया आरुणी ने, एषु एकम बीजम बिंधि, इनमें से एक बीज को तोड़ो। क्या कहा, एषु एकम बीजम बिंधि, इनमें से एक बीज लो और उस एक बीज को निकालकर उसे तोड़ो। श्वेत केतु भिन्नम, तोड़ दिया उसने वो बीज, क्या लिया, उंगली पर लिया और उसको तोड़ दिया, ऐसे उसको तोड़ा। आरुणी अत्र किम पश्यसि, यहां क्या देख रहे हो। श्वेत केतु न किंचन भगवन, इसमें कुछ नहीं है। न किंचन भगवन, वो पिता को कह रहे हैं कि भगवन यहां कुछ नहीं है। उस बीज को, क्योंकि उसका अस्तित्व इतना छोटा है, उस फल के अंदर असंख्य बीज हैं, आप गिन नहीं सकते, एक फल के अंदर इतने बीज हैं। उसमें से एक बीज लेने के लिए कहा, उसे एक बीज को तोड़ने के लिए कहा, तो तोड़ने के बाद वो छोटे से एटम जितना बीज है उसमें तोड़ने के बाद उसको कुछ दिखाई देना बंद हो गया। तो उन्होंने क्या कहा, न किंचन भगवन, यहां कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इदम श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, पिता पुत्रम उवाच, पिता पुत्र को बोले। पिता कम उवाच, पुत्रम उवाच, पुत्रम कह उवाच, पिता उवाच। पिता किसको बोले, पुत्र को बोले, ही सौम्य, फिर से सौम्य पद का प्रयोग किया, ही पुत्र पश्य, देखो, अत्र वट बीजे एव महान स्थूल शाखादिमान न्यग्रोध वट उत्पन्न संतिष्ठति। अत्र यहां, यहां कहां, वट बीजे, उस बीज में, सारे बीजों से एक वट वृक्ष नहीं बनता, एक बीज है, उस बीज को जब तुमने तोड़ा तो उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन उस एक बीज के अंदर एक महान स्थूल शाखादिमान न्यग्रोध वट उत्पन्न संतिष्ठति। उस महा, उस एक छोटे से बीज में महान स्थूल भारी शाखादिमान शाखाओं वाला न्यग्रोध वट उत्पन्न संतिष्ठति। उस बीज को जिसको आपने तोड़ा था, उसको तोड़ने के बाद जिसका कोई अस्तित्व नहीं बचा, उसी बीज के अंदर इतना बड़ा विशाल काय वट वृक्ष स्थापित है, उस शक्ति को पहचानो। ये है वो ईश्वर की शक्ति, जिसका अस्तित्व तुमने तोड़ने पर कुछ भी नहीं बचा, उसी अस्तित्व में, उस अणु में ही, उस एटम में ही क्या है, एक विशाल काय जिसकी हजारों वर्ष आयु होती है। एक फल के अंदर असंख्य बीज हैं जिसे आप गिन नहीं सकते, हर वर्ष कितने वहां पर फल लगते हैं, उनके अंदर कितने बीज हैं, कितने विशाल का वट वृक्ष उस एक अणु से शुरू हो सकते हैं। तो ये ब्रह्मा की वो शक्ति है, इसे समझ पाना इतना सहज नहीं है, लेकिन इसे समझ पाना अत्यंत आवश्यक है, यही वो शक्ति है। एवं अनन्य स्थूलम जगत उद्भवती, अब वो उस वट वृक्ष के उस बीज से कहां ले गए, इस स्थूल संसार की ओर ले गए, कि हमारा जो अस्तित्व है वो भी उस अणु के समान ही है, जिसके तोड़ने पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन शक्ति उसमें इतनी है। तो वो ईश्वरीय शक्ति क्या है, एवं इसी प्रकार अणिन्न, उस अणु से ही, अणिन्न में षष्ठी विभक्ति है, उस अणु से ही, पंचमी षष्ठी दोनों का एक वचन है, स्थूलम जगत, ये स्थूल संसार, ये पूरा विश्व उद्भवती, उत्पन्न होता है। विश्व से ही,
विश्वास करो, विश्व से ही विश्वास करो। ही सौम्य स एव आत्मा, वही आत्मा है। स एव आत्मा, वही आत्मा है। तत् एव सत्, वही सत्य है। तत् एव सत्, वही सत्य है। तत् त्वम असि, और वही तुम हो। तत् त्वम असि अर्थात तुम जो हो, तुम्हारे अंदर जो भी कुछ है, जो भी तुमने ज्ञान प्राप्त किया, जो भी तुमने वेदों का अध्ययन किया, वो तुम स्वयं कुछ भी नहीं हो, वह आत्मा जो दैविक शक्ति आपके अंदर है उसको पहचानो। और जिसने उसको पहचान लिया वो कभी भी अहंकार नहीं कर सकता, उसके अंदर अहंकार अंदर नहीं प्रवेश कर सकता। इसलिए पिता और पुत्र के संवाद से आप सबके अंदर भी, चाहे आप कितने भी अच्छे इंटेलिजेंट क्यों ना हो, बट आपके माइंड में ये चीज नहीं आनी चाहिए कि ओनली आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट बुरा नहीं है, ओनली आई एम द बेस्ट। दूसरे को निकृष्ट समझना, दूसरे को हीन भावना से देखना या अपने ऊपर अहंकार, वही विनाश का कारण होता है। तो इस पाठ में आप सबसे पहले जो भी कुछ आपको है, जो भी आपके पास प्राप्त है, जो भी अच्छी वाणी आपको प्राप्त है, जो भी योग्यता आपके पास है, जो भी कुछ आपके पास है, वो सब ईश्वर का दिया हुआ है। इसे अपने बुद्धि में, अपने दिमाग में, इसको अपने माइंड में इस चीज को एक्सेप्ट करके चले कि मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो भी मेरे पास है वो ईश्वर की एक परम शक्ति है। मैं उस ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और इससे, इस ज्ञान से जितना भी मेरे पास संभव होगा मैं इसको दूसरों को बांटूंगा या मैं इस ज्ञान को अच्छे कार्य में ही लगाऊंगा। ये इस पाठ का एक मोरल है कि आप ज्यादा पढ़ करके आप अहंकारी ना हो जाएं। आज हमने इस पाठ के माध्यम से व्याकरणिक नियम भी समझे और ये भी जाना कि हमें कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। आपको अवश्य समझ में आया होगा पाठ एक। अगले चैप्टर में हम इसके जो पाठ्य पुस्तक में प्रश्न हैं उनको हम पढ़ेंगे। किस प्रकार से प्रश्न जो मैंने आपको बताया उन्हीं में सारे प्रश्न इसके अंदर आपको समझ में आएंगे और आप अपने आप से इजीली इसको कर पाएंगे।